ऑफिस से बाहर एक कदम भी मत लीजिएगा। क्या समझती हैं आप? जब आपका दिल चाहेगा धुंधलाती हुई मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में आ जाएंगी, और जब आपका दिल चाहेगा चली जाएंगी। उठाइए अपना रेजिग्नेशन और जाइए अपनी जगह पे वापस। अपने लिए सेविंग करो। सही की बात है साहब। एक बात नहीं है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए कहा था कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। भरोसा ना हो तो कमिटमेंट भी नाकाबिले भरोसा होती है। मैंने ये भी कहा था कि तुम किसी और मैंने भी ये कहा था कि अगर कोई मुझे मुझ जैसा मिल गया तो कर लूंगी शादी। कुछ हुआ आंटी? नहीं हुआ तो नहीं, बस होने वाला है, बस दिल घबरा रहा है बहुत। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कोई गड़बड़ की ना तुमने, सोचेगा जीना नहीं दूंगी मैं तो। वर्दी इतनी तंग है, पंप नहीं है मेरे पास, पंप भी नहीं आ रही मेरी। हे अल्लाह, ठीक से खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। जी बोले। हाँ जी बाबा जी, ऐसे करना हिसाब किताब के तहत थाने चल के करना जी। पर सर जी मेरा कसूर क्या है? इस मोहल्ले में मेरी इज्जत है और आप पुलिस ले आई। इस मोहल्ले में आपकी इज्जत है, इसी वजह से मैं आया हूँ। और फिर इज्जत वास्ते कह रहे हैं कि जो बीबी पूछ रही है फिदा फिदा दस, नहीं तो थाने जाके मैं पाना है तेरे लंबा, तो उत्थे मैं तेरे को पूछना है। मोना के बारे में बताओ, क्या हुआ था ऑफिस में? कुछ नहीं। कुछ नहीं? देखो साहब जी, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, इंजीनियर मुझे बर्बाद कर देगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, उस दिन ऑफिस में कौन कौन था ये बताओ बस। सिर्फ इंजीनियर साहब थे। गवर्नर साहब से कहिएगा कि जब भी वो हुक्म करेंगे मैं खुद गवर्नर हाउस आ जाऊंगा। इट्स अ प्लेजर। जी बैठिए आप लोग। जी अब बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर आपने हमारी टैक्सिला वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी ही है। यस इट वॉज रियली गुड। सर हम उसे ग्रैंड स्केल पर बनाना चाहते हैं ताकि हम उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बेच सकें। ओके जी, तो सर उसी के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। ठीक है, अंदाजन कितना बजट होगा आपका? सर तकरीबन 70-80 lakhs। मैं डिस्कस करता हूँ बोर्ड से, फिर देखें हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। स्टूडेंट्स की मदद करके मुझे वैसे भी बहुत खुशी होती, और वो टैक्सिला डॉक्यूमेंट्री परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री। थैंक यू सो मच सर, इसका क्रेडिट मोना को जाता है, आइडिया उसी का ही था। मोना वो यूनिवर्सिटी आ रही? आप मोना को जानते? आई मीन आपको कैसे पता कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? मैं कैसे जानता हूँ, बस मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि ये नाम मैंने पहली बार सुना है। न्यू एडमिशन? जी नहीं सर, वो हमारी क्लास फेलो है, हम उसी के बारे में। सर हम चलते हैं। थैंक यू सो मच सर, चलें दानी। ओके खुदा हाफिज़ सर। थैंक यू सर। इंजीनियर साहब की पूरी बात रिकॉर्ड की है मैंने। तानिया अली इस वक्त मुझसे बात नहीं होगी। गिव मी अ कॉल।
लोग बहुत बुरे हैं, मगर इतने बुरे? लोग बहुत बुरे हैं, मगर उनसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, वरना दुनिया कब की खत्म हो जाती। बेटे तुम्हें कहाँ भी है बता कर आया करो, ताकि मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना सकूँ ना। वैसे अब मैंने अचार चिकन चढ़ाया है। अम्मा बता कर आऊँगी तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। अच्छा अब्बा, ये आपके लिए कुर्ता सिलवा कर दूँ या खुद सिलवाएंगे? बेटा अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर और घर वालों के लिए चीज़ें लो ना, हमारे लिए मत लो। उनके लिए भी लिया है अम्मा, जब मुझे मेरा पहला चेक मिला था। माशाल्लाह। और अम्मा ये आपकी शॉल। बेटा काम कब शुरू किया तुमने? एक्चुअली अब्बा जब तानिया की डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट शुरू हुई तो उन्होंने मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देखो सबसे छोटी सबसे अकलमंद निकली, बोलती काम है मगर अमल ज़्यादा करती। बस उसकी इन्हीं बातों से डर लगता है मुझे, चलती हवा से लड़ती है। वैसे अम्मा आप ना अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे साथ भी वही हुआ जो आपने कहा था कि मैं सब ठीक कर लूँगी, और तानिया और आलिया भी हमेशा सब ठीक कर लेती हैं और हमेशा करती रहेंगी इंशाल्लाह। ज़रीना करी भैया कैसे हैं आप तुम्हारे साथ? बहुत बदल गई हैं अब्बा, जनरेटर और बाथरूम की टाइल्स बेहतर होने से, घर बेहतर होने से आहिस्ता आहिस्ता रवैया भी बेहतर हो गया। अल्लाह और बेहतर करेगा। अच्छा अब्बा चाय पियेंगे मेरे हाथ की? मिस करते थे ना, मैं बना कर लाती हूँ। अरे सामिया को लेने नहीं गया? कपड़े बदल कर जाऊंगा। लड़की को इतनी देर मैके में नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दी जाके ले आ। और ऐसा कर और 3-4 छुट्टियां भी ले लो, उसे कहीं घुमाओ ना, वो कहीं वो गए नहीं, तुम क्या कहते हो हनीमून पे भी नहीं गए। क्या हो गया, बड़ा ख्याल आ रहा है आज उसका? अच्छी लड़की है, देखो ना कैसे घर को बदल दिया। कभी मुंह पे भी तारीफ कर दिया करें उसकी? ना मुंह पे तारीफ नहीं करते, बहुओं की सर चढ़ जाती है, मुंह नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। उसकी जगह शगुफ्ता होती तो जान से मार देती उसे अब तक। वो भी यही कहती है। खुदा की मार, मुझे पहले शक था कि तेरा चक्कर अब भी चल रहा है उससे। देख आखिरी बार कह रही हूँ, उस 56 छुरी से जान छुड़ा ले, बर्बाद कर दे कि तुझे भी उस घर को भी। क्यों हंस क्यों रहा है? अच्छा लगता है जब आप खौफजदा होती। बकवास करता है, चप्पल मारूंगी एक। बचपन से आपने मेरी बहुत पिटाई लगाई है, हर छोटी बात पे सजा दी है। कभी कोने में खड़ा कर दिया, कभी सर्दी में बाहर निकाल दिया। छड़ी के निशान तो आज तक मेरी कमर पे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इंसान बनाया इस तरह ही। इंसान नहीं गुलाम बनाया आपने, मगर अब मुझे गुलामी की आदत हो गई। बीवी ऐसी चाहिए जो सैफ, सैफ, अरे क्या हुआ, क्या करने वाला है तू? अल्लाह खुदा गौरत करे उसे, क्या क्या पटिया पढ़ा के भेज देती है, पता नहीं क्या करेगा ये। क्या हो गया तुझे? अब जरूरी बात करनी है आपसे। मुझे जल्दी जाना है, कोई जरूरी बात है? मुझे गाड़ी और मोबाइल फोन नहीं चाहिए। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले गौर से पढ़ लेना चाहिए था। जी बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन उसमें ये सब कुछ मेंशन नहीं था। हाँ क्योंकि ये हमारी कंपनी पॉलिसी है, आपकी जगह पे कोई भी एम्प्लॉय होता तो उसे मोबाइल भी मिलता और गाड़ी भी।
बाय द वे कंपनी मेंटेन गाड़ी है, तो जब आप जॉब छोड़ेंगी तो ये कार भी छोड़ जाइएगा। बहुत जबरदस्त कैमरा है फामे आपी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। बंदर के हाथ नारियल दे दिया आपी आपको। बदतमीज, वो डिजर्व करता है। अभी दिखाता हूँ ताया अबू को, दस्तखत करवाना चाह रहे थे ना इस कैमरे के बदले में। तुम परेशान हो? थोड़ा सा। क्या हुआ? कुछ नहीं आपी। कौन जाहिल इस वक्त? इस पे नजर रखे, मैं बाहर देखूं। जरूर थानवी होगा, वो ही कर सकता है इतनी जहलाना हरकत। मैं जरा उसको आज देखती हूँ। अगर वो हुआ ना तो आज मैं भी सुनाऊंगी उसे, पूरा महल्ला ही सिर पे उठा लिया इसने तो। उन्होंने बताया था कि जॉब के साथ पर्क्स भी होंगे। ऑनेस्टली मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, फिर असफर ने मुझे बताया कि ये इस काम का पार्ट एंड पार्सल है। तुम्हारे अब्बा तो बहुत डर रहे थे कि जाने कैसी कंपनी हो, कैसा आदमी हो, मगर ये असफर, ये तो अपनी बहन से भी अच्छा निकला। शुरू शुरू में तो मुझे भी लगता था काफ़ी बदमिजाज आदमी है, लेकिन है नहीं। तो मतलब सेल्स के साथ साथ कोई कमीशन वगैरह भी मिलेंगी या सिर्फ एक सैलरी रहेगी? 2% कमीशन मिलेगी, बट आई एम नॉट श्योर। सैफ भाई लेने के लिए आएंगे, खुद जाओगी? अब सैफ तो बहुत बिजी है अपने काम में, तो मुझे जाना चाहिए। बेटे मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। हाँ अब बड़ी हो गई हूँ अब्बा, मैं खुद चली जाऊँगी। हमारे लिए बड़ी नहीं हुई, हमारे लिए अभी भी तुम बच्ची हो। चलो तानिया को साथ लो और बहन को छोड़ कर आओ घर पे अपनी नई गाड़ी में। अच्छा मैं बैग लेकर आती हूँ। अरे जब खाना पक्का हुआ है तो ऑमलेट क्यों बना रहे हो? दिल चाह रहा था, इसके लिए भी रिटर्न इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे। नहीं, ज़बानी से गुजारा हो जाएगा, अब मिर्चें कम डालना। वैसे दिमाग काफ़ी तेज़ हुआ है। आप आ जाइए, गाड़ी में तबसरा करने आई है ना, बड़ी अच्छी गाड़ी ली उसने, बहुत तरक्की कर ली है, अल्लाह उसे और तरक्की दे। बड़ी खुशी हुई इसे देख के। तुम्हें नहीं हुई? बहुत हुई, इसीलिए तो ऑमलेट बना रहा हूँ। अंडों का या अपने भेजे का? अम्मी ना करें, इस वक्त तंग मत करें प्लीज़। अच्छा अच्छा नहीं करती तंग, मैं आगा जी और शमो से बात करके तुम्हारा तो इलाज करती हूँ। अजी पागल से होते जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, अच्छी तरह पहले तरक्कियाँ करने दें उसे, उस कंपनी का CEO बनने दें, फिर कर लीजिएगा बात। हद हो गई, क्या तुम वाकई उसकी तरक्की और गाड़ी से इनसिक्योर हो रहे हो? मैं ऐसी किसी बात से इनसिक्योर नहीं होता। फिर हो सकता है वो अपना फैसला बदलना चाहे। हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन चीज़ों से अपना फैसला बदले। हाँ अलबत्ता तुम्हारे मूड से ज़रूर आजिज आ सकती है, इसीलिए मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांगूंगी, तुम्हारी शादी की बात पक्की करूंगी।
सैफ भाई क्यों नहीं आए तुम्हें लेने के लिए? हाँ, मैं बताती हूँ, सैफ की ऑफिस में आजकल बहुत काम है। सैफ आजकल सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात में देर से वापस आते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो अभी उस लड़की से मिलते हैं या नहीं? मैं बताती हूँ, मैंने उनसे पूछा नहीं। तो तुम यही कहती ना, सच बताओ? हाँ, मैं यही कहती भाई। मैं खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, और अगर इतना ख्याल करते हैं तो मैं क्यों टिपिकल बीवियों की तरह उल्टे सीधे सवाल करो? अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो ऑफिस में इतनी मेहनत करते हैं, 15 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उनकी कोई प्रमोशन वगैरह क्यों नहीं होती? उनको कोई बोनस वोनस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। और वैसे भी सैफ बहुत खुददार है। खुददार है या उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई? तुम दोनों ने मुझे एक और सवाल किया ना, तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों कूद जाएंगे गाड़ी से। तुम लोगों को मैं पहले से ज्यादा खुश नहीं लग रही? हाँ, वैसे पहले से तो ज्यादा खुश लग रही हूँ। एक्चुअली बेटर। मोबाइल। ये आप खुद ही बता दीजिए। सब कुछ पता तो है तुम्हें? आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आज नहीं, जहां तकलीफ के इतने दिन एक साथ गुजारे, एक रात और गुजार लेंगे। मुझे कुछ देर पहले तक लग रहा था अपने हिस्से की सारी तकलीफें उठा चुकी हूँ। सब कुछ ठीक हो रहा है या हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, बताया था तुम्हें, कुछ बदलेगा ना ठीक होगा। हैरत है सैफ, आपको घर में तब्दीलियां महसूस नहीं हुई? आपका डिप्रेशन कम नहीं हुआ? सांस लेना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया? मैं तो इनविजिबल हूं, लेकिन हैरत है कि आपको अपनी मम्मी का बदला हुआ रवैया तक नहीं नजर आया। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सामिया, क्योंकि मैं इस घुटन का आदी। क्या आपको अब भी लगता है कि मुझसे शादी करके आपने गलती की? नहीं, मगर मैं सही चीजों का आदी नहीं हूं। सही चीजें मुझे बोर करती हैं। प्लीज रोना नहीं। मुझे रोना आपकी बदकिस्मती पर आ रहा है। बुरा किया आपने इस घर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने आप के साथ। चलो, शुक्र है सामिया की जिंदगी तो सेटल हुई। आई हैव अ फीलिंग कुछ गलत हो रहा है सामिया के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और ना वो होने देगी, और जो बाकी रह गया ना वो भी ठीक कर लेगी।
तुम बताओ, तुमने सलमान से पूछा क्या प्रॉब्लम है? पागल है बिल्कुल, वो भी पागल नहीं है, सेंसिटिव है। और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से खुल के बात नहीं की ना, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। बात करके देखूंगी उससे, मगर उसकी शक्ल पे जो वो एक मासूमियत वाला एक्सप्रेशन है ना, उसे देख के कभी कभी शदीद गुस्सा आता है मुझे। क्या मतलब? मासूम सा बच्चा लगने लगता है, जी जाता है कि उसका कान खींच कर ना उसके हाथ में दे दो। है तो वैसे वाकई बहुत मासूम, अंदर से बिल्कुल मासूम नहीं है, बिला वजह सड़ता है असर से। तो पूछो उससे क्यों सड़ता है। असर है इतना अच्छा? सीरियसली? लाइक सीरियसली? आप खुद मिलके देख लीजिएगा, फिलहाल आप तो थानवी अंकल पे गौर कीजिए, सलमान की तरह वो भी बड़े मासूम हैं वैसे। बात करिएगा उनसे, वरना छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। आउच। से अगर मेरी हाउसिंग स्कीम कामयाब हो गई ना, बहुत कमीशन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा मैं बताऊं? बहुत पहुंचे हुए ना, बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जाके हुकूमत नहीं चाहिए आंटी। सामिया, मैं कल फैसला करूंगी, आज मैं आपकी मेहमान हूँ। गुच्छन कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। आज रात यहाँ बाहर ही सोने का प्रोग्राम है आपका। आपको सामिया वाकई खुश लगी? जी मुझे बहुत खुश है। क्यों, आपको नहीं लगी क्या? नहीं। आगा जी, क्यों मेरे दिल में वहम डाले जा रहे हैं? अब सारी रात मेरा ध्यान वहां रहेगा और अल्लाह जाने ये तानिया क्या करती फिर रही है। मैं आपसे सच कह रही हूँ आगा जी, ये तानिया जरूर कुछ करती फिर रही है। हर वक्त फोन में आंखें गाड़े कुछ लिखती रहती है और फिर खुद ही से मिटा देती है, और अगर कोई फोन आ जाए तो इस कदर घबराती है कि क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे ही फोन मेरे पास भी आया था, मैंने पूरी बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। कौन था, क्या कह रहा था? समझा लो वरना हम समझाएंगे। हाय मेरे अल्लाह, मैं समझाऊंगी। एक मिनट, आप उसे कुछ मत पूछिएगा। अव्वल तो वो आपको खुद ही बता देगी, अगर ना बताए तो मैं पूछ लूंगा। नींद की कोई गोली होगी आपके पास? नहीं, सामिया की शादी के बाद मुझे जरूरत ही पेश नहीं है। लगता है मुझे अब जरूरत पड़ेगी। तो वो आप चलिए, मैं आता हूं। जी आगा जी। सो तो नहीं गए थे तुम? वो दरअसल माया का खाना ख़त्म था तो पेट शॉप में वो लेने आया था। सब खैरियत? मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, ज़रा जल्दी से पता तो करके बताओ कि किसका है। कोई मसला ही नहीं, सिर्फ दो मिनट दीजिए। ओके। एक नंबर पता करो और अभी बताना है तुम्हें।
से उठाए पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इंसान से फोन पे ही बात हो जाए। आई मीन, मुझे पता है कि आप हार में तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन अभी ना यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है। माना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ जितनी आप मुझे समझते हैं। थोड़ी सी सपोर्ट तो बनती है, आपके लिए सब कुछ करना क्या मुश्किल है। अच्छा चलिए, ज्यादा ना सही, 4 इंची करा दे प्लीज। सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, डर भी लग रहा है, सब कुछ उलझ गया। तुम्हें किसने बुलाया? तुमने? पागल नहीं हूँ मैं तो हूँ। पता है, जो एक गाड़ी और मोबाइल से डर गया। मोबाइल भी? सुनो, मेरी पोस्ट पे कोई भी होता ना उससे मैं मिलता। ओके, वेरी जेनरस ऑफ हिम। सर, अगर मेरी हाउसिंग स्कीम कामयाब हो गई ना, बहुत कमीशन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा मैं बताऊं? बहुत पहुंचे हुए हो ना, बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कहूंगा, ये वो कहेगा। तो मैं क्या कहूंगी, ये भी तुम्हें पता होगा, है ना? नहीं पता, ये पूछने आया हूं कि क्या कहूंगी। मैं कहूंगी, इस बात को अगर तुम जरा सजा के कहते, थोड़ा मुस्कुरा के कहते तो अच्छा। आलिया, आलिया। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने बेवकूफ हो, सीरियसली। तुम्हारे बारे में तो मैं क्या कर सकती, डरते रहो, सड़ते रहो, परेशान होते रहो। ऐसा क्यों चाहती हो तुम? सुनो, एक तरफ तानिया के सर के ऊपर ना इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, दूसरी तरफ तावा बुक किसी भी दिन अमेरिका से आ जाएंगे और हमसे हमारा घर ले लेंगे, और तुम्हें लगता है कि इस सारे मामले के बीच में मेरे पास ये सब कुछ सोचने का वक्त है? नहीं, मुझे लगता था कि तुम्हें सब कुछ मालूम है क्योंकि तुम इस घर के फैमिली मेंबर हो, बट नो। तानिया, आप भी, क्या हुआ है? हेलो, कौन? हाँ जी, कोई आदमी है तानिया के बारे में बेहूदा बातें कर रहा है। तानिया का? क्या किया तानिया ने?
आगो जी आप बैठे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हमें नहीं सुननी कोई डिटेल, बस कल से ये घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी और ना घर पे इसका कोई दोस्त आएगा। फोन दो अपने अब्बा को। अपने कमरे में जाओ, आप भी अंदर जाइए। शम तुम दोनों को मालूम था ना कि हम क्या करते फिर रही? जी बस अभी बताया था उसने। तुमको भी अभी पता चला होगा आलिया? तफसीलन नहीं पता था इतना। उसका इंस्टाग्राम तुम ही चेक करती हो ना? उसकी प्रेजेंटेशन होती है तो हर कमेंट तुम पढ़ती हो, उसकी हर पोस्ट तुम पढ़ती हो। ये नहीं पढ़ा कि उसने मोना के बारे में क्या लिखा है? अब्बा मैंने उसको मना किया था। क्यों मना किया था? आगा जी आप सोफिया पप्पू आलिया जब दीपक को मीना के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो अपनी दोस्त के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेगी? वो बिल्कुल ले सकती है। ये कॉन्फिडेंस भी आपने ही दिया है कि जब भी कोई गलत हरकत देखो उस पर आवाज़ उठाओ, तो आप क्यों रोक रहे हैं उसे? ये इतनी छोटी बात नहीं है सलमान। क्योंकि हरीश एक कमज़ोर इंसान है, इसलिए ना आपने आलिया को रोका, ना सामिया को, ना तानिया को, बल्कि हरीश से झगड़ा करने आप खुद गेट पर पहुँच गए। हम बदमाशों से नहीं लड़ सकते हैं सलमान, प्लीज। तानिया खुद लड़ लेगी, आप बस वही कीजिए जो अब तक करते आए हैं, उसे हिम्मत दीजिए। उन्होंने धमकी दी है कि वो आलिया को और तानिया को। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। टार्जन क्या कर लोगे? जो तुम नहीं कर सकते। मसलन क्या? कन्फ्रंटेशन। इमाम साहब मैं बांध दूं? तो अपने बॉस को बांध दो, उसकी जान ज्यादा खतरे में। क्या हुआ, सैफ ने कुछ कहा? देखो मेरा ब्लड प्रेशर पहले बहुत हाई है। क्या कहा सैफ ने? उनमें कुछ कहने की हिम्मत कहाँ है आंटी, उनमें तो शायद सच सुनने की भी हिम्मत नहीं है। तो तुम में तो है ना हिम्मत, हैं? तुम करती ना बात, पूछो उससे, बल्कि तुम्हारा हक है, तुम बीवी हो उसकी, सारे हक ही तुम्हारे, लड़ो उससे। मैं लड़ी हूँ आंटी, पर मैं शायद और भी लड़ लेती, लेकिन मुझे आज पता चला है मैं तो पानी पर चल रही थी। मेरे पैरों तले तो जमीन थी ही नहीं, और जो जमीन आपने मेरे नाम की वो शगुफ्ता की है और उसी की रहेगी। सामिया मैंने ऐसा नहीं चाहा था। बात अगर अकलौते बेटे की माँ की हो तो तनहा माँ के खौफ अजीब से होते हैं, और जिस जमीन की तुम बात कर रही हो, हाँ मैंने हुकूमत करना चाहती थी, उसने अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहती थी, इसलिए सैफ की जिंदगी के हर फैसले को अपने इख्तियार में ले लिया। मुझे खौफ था, डर था कि कहीं बहू का हाथ पकड़ के ये चला ना जाए, वो उसको ले ना जाए, इसीलिए तुमसे शादी की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम उसका साथ छोड़ोगी ना, मुझे तनहा छोड़ोगी, और ऐसा ही हुआ, तुमने ऐसा ही किया। देखो ना, तुमने सब कुछ बदल दिया, जेल जैसी दीवारों को घर बना दिया तुमने, इसलिए आज मैं अपना घर तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। सामिया अपनी सल्तनत किसी दूसरी औरत के हाथ में देना आसान बात नहीं है, लेकिन तुम इसकी हकदार हो, तुम जो चाहे करो, अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में, मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं, सवाल भी नहीं करूंगी, बस सब कुछ तुम्हारा है। जाके हुकूमत नहीं चाहिए आंटी। सामिया मैं कल फैसला करूंगी, आज मैं आपकी मेहमान हूं।
आगा जी की ड्यूटीज कर रही हो या उन्हें मक्खन लगा रही हो? दरवाजे पे इतनी बड़ी घंटी लगी है, नजर नहीं आई? आपने कोई दस्तक दी? बगैर वार्निंग के कब्जा कर लिया मेरी सबसे कीमती चीज पर। किस चीज पे? अरे वो चीज जो शायद आपके पास है ही नहीं। सीधी सीधी बात करो। दिल। दिल नाम की किसी चीज से वाकफियत है आपकी? रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मुझसे? उसमें हर जी का, मैंने सोचा शादी की बात तय करने से पहले एक बार ट्राई कर लूं। सुनो। सुनाओ। क्या तुम कबे का मगज खाते हो नाश्ते में? नाश्ते में तुम्हारी याद, दिन में तुम्हारा तसव्वुर और रात में तुम्हारे ख्वाब। भाई साहब, भाभी। अरे हाँ हाँ, बुलाओ, देखना कितना पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं वो लोग मेरा। अल्लाह का शुक्र तुम आ गए थानवी, इतना इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। सोफिया, चाय तो बनाओ, नाश्ता करोगे? अगर सोफिया दो तीन पराठे बना ले और ऑमलेट तो दोबारा कर लूंगा। जहर का ऑमलेट ना बना दू? देखा आपने कितनी जली हुई बातें करी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया, शादी की बात तय किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम पहले इतने परेशान हैं और तुमने आते भिड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया। अरे क्या हो गया भाभी, परेशान क्यों हो रही है? मैंने हल निकाल लिया। आगा जी कहाँ हैं ये बताइए। तानिया, अली आया। तो क्या करूं, अम्मा मुझे भी मार डालेगी और उसे भी। ताई अम्मा किचन में, आगा जी थानवी अंकल से बात कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम पोर्च में आ जाओ, ठीक है? आजी बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत उस वक्त होती है जब वो मुश्किल में होते हैं, जब उन्हें लगे कि उनके माँ बाप उन पर गुस्सा नहीं करेंगे, उन पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। थानवी वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे हर हाल में सपोर्ट करूं, लेकिन शम्मो बहुत खफा हो गई, डर गई है वो बहुत। आखा जी, इस तरह डरना बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन अपने खौफ की वजह से उनकी रास्ते की रुकावट बनना ये ठीक नहीं है। अब ये बात तुम अगर उनको समझा सकते हो तो समझा लो। कोशिश करूंगा, लेकिन ये काम सोफिया बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है। जिस तरह उसने सैफ की वालदा को समझाया था, इसी तरह वो भाभी को भी समझा सकती है। वो नंबर ट्रेस किया तुमने? जी जी कर लिया। आप उस काम की तरफ से बेफिक्र रहें, एक दो दिन तक पुलिस को पता चल जाएगा। ये कहाँ है दीपक? थानवी अंकल कैसे हैं आप? अरे हाय सुपरमैन, तो क्या प्लान है आज के? मैंने सीको सिल्वाकी की पुलिस स्पेलिंग याद कर ली है। उसका कैपिटल है प्राग और उसकी पॉपुलेशन थी 10,00,000 and 7,500,000। ये देखें, फ्लैग भी बनाया मैंने। अरे इसकी नॉलेज तो मुझसे भी ज्यादा हो गई है। मुझसे भी ज्यादा? नाश्ता तैयार है, जिसने करना आके कर ले। चलो दीपक, शावल ले लो बेटा, आ जाओ। जाओ बेटा। आपने परेशान नहीं होना। कुछ अनकही सी है जो बात दिल की दिल में।